जब मनुष्य के मन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता होती है। उत्साह और रुचि बनी रहे इसकी आवश्यकता होती है और यथा योग्य दूसरी चीजों की ओर से मन का हटना और विश्राम की भी जरूरत होती है। तो जब मन में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प उदय हो तो इन तीनों बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिसको हम लोग धर्म उपासना और योग कहते हैं इनको वेदांत में परंपरा साधन के नाम से कहा गया है। वेदांत में वेदांत ज्ञान में परंपरा साधन है क्योंकि यदि मनुष्य दुर्वासना के वश में हो करके और बुरे बुरे काम करता रहे बुरे बुरे भोग भोगता रहे और अनियंत्रित प्रवृत्तियां जो उसके जीवन में हैं वो बनी रहे तो वो कर्म की चिंता से और भोग की चिंता से इतना ग्रस्त रहेगा कि परमेश्वर के बारे में सोच विचार करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा। हम बड़े बड़े कर्मियों और भोगियों के जीवन के बारे में जानते हैं वो बड़े बड़े कल कारखाने बना सकते हैं उसके बारे में बहुत सोच सकते हैं परंतु परमेश्वर की सत्ता महत्ता के बारे में उनकी बुद्धि किंचित भी प्रवेश नहीं करते। तो दुष्चरित्रता जो है वो एक लक्ष्य की ओर चलने में बाधक है क्योंकि फिर तो नया नया भोग चाहिए उसके लिए नया नया काम चाहिए उसके लिए नया नया चिंतन चाहिए। तो जो दुष्कर्म और दुर्भोग में लगा हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर चल नहीं सकता। इसलिए वेदांत की पहली आज्ञा ये है कि केवल पढ़ने लिखने से या केवल शास्त्र का स्वाध्याय करने से किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न प्रज्ञाने नहीं नमात्मयात केवल बड़ा ज्ञान होने से अधिक ज्ञान होने से काम नहीं बनता है। चार बात उसके लिए आवश्यक है। दुष्चरित्र का स्वरूपतः त्याग ना बिरतो दुष्चरिता और काम क्रोध आदि की जो वासनाएं हैं उनकी शांति मन की एकाग्रता और परमेश्वर के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की इच्छा का न होना सिद्धि की इच्छा या लोकांतर की इच्छा न हो केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो। तो धर्म जब हमारे जीवन में आता है प्रकट होता है तो दो काम धर्म करता है एक तो दोषापनयन और दूसरे गुणाधान और तीसरे हीनांग पूर्ति।
दो काम प्रसिद्ध हैं और तीसरा जो है वो अप्रसिद्ध है। तो धर्म चरित्र शुद्धि के द्वारा हमें परमात्मा के सम्मुख करता है। ये जो लोग समझते हैं कि लाइब्रेरी में हम स्टडी करके या जैसे बिजली के बारे में या परमाणु के बारे में या जैसे मशीनों के बारे में व्याख्यान सुन करके और उन व्याख्यानों के अनुसार काम कर लेते हैं, वैसे ही हम ईश्वर के बारे में व्याख्यान सुन के ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ये उनकी गलती है ना? इसके लिए जीवन में जो वासनाओं को न रोक सकने के कारण जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का परित्याग करना आवश्यक है। तो धर्म सीधे परमेश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं है, चरित्र शुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए कुछ करने को भी राजी हैं कि नहीं, कुछ छोड़ने को भी राजी हैं कि नहीं। यदि हम एक नई चीज पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ छोड़ने को राजी नहीं है, दो आने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, और उसके लिए दुकान तक जाने को भी राजी नहीं है, तो उस चीज को पाने में अपनी आस्था है, श्रद्धा है, रुचि है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। तो बोले भाई देखो, तुम ईश्वर को तो प्राप्त कर सकते हो लेकिन बाएं वाले रास्ते से मत जाना। उसने कहा महाराज, हम तो बाएं वाले रास्ते से चलेंगे, ईश्वर मिलना हो तो इधर मिले और न मिलना हो तो मत मिले, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर प्राप्ति की इच्छा अपने मन में नहीं है, वो केवल वाचिक वचन मात्र की इच्छा है, वास्तविक इच्छा नहीं है। तो धर्म जो है वो एक तो चरित्र में शुद्धि लाता है, माने पाप वासना के अनुसार कर्म नहीं होवे, पुण्य वासना के अनुसार कर्म होवे, और मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए उत्साह जगे, ये धर्म करता है। अब आगे उपासना की बात है। उपासना क्या है? कि उपासना एक प्रकार की ईश्वर विषयक वासना है। धर्म जरा बहिरंग है और उपासना अंतरंग है। और धर्म क्रिया प्रधान है और उपासना भाव प्रधान है। अपने मन में वो आकृति आवे जिसको हम ईश्वर रूप मानते हैं, इसमें निराकार साकार का कोई प्रसंग नहीं है। वो राम है कि कृष्ण है, विष्णु है कि शिव है, देवी है कि गणेश है, कि गुरु है कि पति है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। निराकार है कि साकार है, प्रयोजन ये है कि हमारी वृत्ति और विषयों का परित्याग करके एक आकार को ग्रहण करती है कि नहीं करती है। तो उपासना जो है ये एकाग्रता के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले चलती है, क्योंकि मन में यदि वासनाएं बहुत होवे तो ईश्वर के मार्ग में चल नहीं सकते। तो चरित्र शुद्धि के द्वारा धर्म और एकाग्रता के द्वारा उपासना, और जो योगाभ्यास है वो अभान के द्वारा ईश्वर की ओर ले चलता है।
योगाभ्यास तो करेंगे, आसन से बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, नेत्र को स्थिर करेंगे, मनोवृत्ति को एकाग्र करेंगे और अंततो गत्वा प्रपंच का अभान हो जाएगा। और बोले इस अभान को हम देख रहे हैं कि योगाभ्यास जो है वो प्रपंच का अभान कर देता है, मिटा देता है। तो जो स्वयं परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात साधन नहीं होता, बीच में एक नई स्थिति उत्पन्न करता है, उसको परंपरा साधन कहते हैं। परंपरा साधन धर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि होने में सहायता मिलती है, उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि होने में सहायता मिलती है, योगाभ्यास के द्वारा अंतःकरण शुद्धि होने में सहायता मिलती है। तो ये जो चित्त में अभान की स्थिति है, इसमें दो बात निश्चित होती है। एक तो यदि वासना प्रबल न प्रबल होती तो अभान की स्थिति में रह नहीं सकते। बारंबार वासना जो है वो चित्त को चंचल बना देती है। तो चित्त को एकाग्र करने में चित्त की जो शांति है, योगाभ्यास है, वो हेतु है। और दूसरी बात यह है कि अभान की दशा में विश्राम मिलता है। तो ये विश्राम क्या होता है कि जैसे हम सायंकाल तक काम करते 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 दिन भर थक गए और रात को सो गए तो फिर सवेरे ताजे होकर के उठते हैं, तो ये विश्राम से ताजगी आती है कि नहीं? तो जैसे विश्राम से शरीर में ताजगी आती है सुषुप्ति से, वैसे अभान की अवस्था प्राप्त करने से मन में एक प्रकार की ताजगी आती है। मैं कानपुर में भागवत का सप्ताह कर रहा था जयप्रिया जी के यहाँ, तो बहुत पीछे रह गया तो बड़ा परिश्रम पड़ा। तो परिश्रम में ये स्थिति होती थी कि रात को बिल्कुल बोलना बंद हो जाता था, माने एक शब्द भी टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे, एक शब्द भी गले से निकलता ही नहीं था। लेकिन जब रात को सो जाता और प्रातः काल जाके फिर गद्दी पर बैठता तो जैसे कल बोलता था वैसे ही आज बोलने लगता। तो विश्राम में से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। जो अपने मन को शांत रख सकते हैं उनके जीवन में शक्ति का उदय होता है। तो शक्ति और सिद्धि और विचार की शक्ति आती है। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक विचार की शक्ति और एक क्रिया की शक्ति। ये दोनों अभान दशा में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तो चित्त शांत हो गया और हम दृष्टा या साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, ये भी परंपरा ही साधन है। ये चित्त में प्रपंच का भान न हो रहा हो, चित्त में प्रपंच का भान न हो रहा हो और मैं उसका दृष्टा हूं, ऐसी जो स्थिति है ये न ब्रह्म है और न ये आत्मा का साक्षात्कार है और न ये कोई ऊंची स्थिति है, ये वेदांत में परंपरा साधन के रूप से ये प्रसिद्ध है। तो धर्म की स्थिति चरित्र शुद्धि के द्वारा, उपासना की स्थिति एकाग्रता के द्वारा और योगाभ्यास जो है वो विश्राम के द्वारा अंतःकरण शुद्धि का साधन है। तब द्वारा होने से इसको परंपरा साधन बोलते हैं। अंतःकरण शुद्धि क्या है? तो देखो, समदमादि संपत्ति जो है वो अंतःकरण शुद्धि का साधन है। तत्वज्ञान में बहिरंग है,
अभी धर्म उपासना और योग ये तो तत्वज्ञान के परंपरा साधन है और समदमादि संपत्ति जो है ये बहिरंग साधन है। परंपरा साधन और बहिरंग साधन में अंतर होता है। ये बहिरंग साधन कैसा होता है कि जैसे किसी कटोरे में आपको दूध लेकर के पीना है तो पहले कटोरे को बिल्कुल साफ कर दीजिए, वो गंदा रहेगा तो उसकी गंदगी दूध में चली जाएगी। आपको तत्व ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो अंतःकरण का कटोरा जो है वो बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। ये जो लोग आपको ये आश्वासन देते हैं कि आप अपने अंतःकरण को अशुद्ध रहने दो, आओ हम तुमको ब्रह्म बनाए देते हैं, तो नारायण वो आपको चेला बना लें ये तो ठीक है, इसमें तो हम उनके पक्ष में हैं, है ना, उनका समर्थन करते हैं, हम उनके मित्र ही हैं कि किसी के आप चेले तो बनो, है ना, ये तो बहुत बढ़िया है। कि वो कहेंगे कि देखो तुमको शराब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और मांस भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और ब्लैक मार्केट भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, हैं, और चोर बाजारी भी ज्यों की त्यों करते रहो, हैं, और पराई बहु बेटी का चिंतन करते रहो, आओ हम तुमको ब्रह्म बनाए देते हैं। तो ये जो आपको ऐसा आश्वासन जो लोग देते हैं वो आपको लक्ष्य की ओर चलने में कोई मदद करते हो ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य की ओर चलने के लिए अंतःकरण में समाधि संपत्ति, अंतःकरण में समाधि संपत्ति का होना आवश्यक है। तो बोले भाई ये समाधि संपत्ति जो है इनको तुम बहिरंग साधन क्यों बोलते हो, ये तो बहुत अंतरंग है। हम शांत हैं, शांत हैं, उपरत हैं, तितिक्षु हैं, श्रद्धालु हैं, समाहित हैं, क्या आनंद में हम बैठे हैं, पीठ की रीढ़ सीधी है और सिर बिल्कुल ऊंचा है और आंख जो है, नेत्र जो है वो निर्निमेश हैं और मैं शांति से बैठा हूँ, क्या मेरी ऊंची स्थिति है, शांत शांत उपरत तितिक्षु श्रद्धालु समाहित, मैं तो बड़ी ऊंची स्थिति में हूँ। बोले ठीक है ऊंची स्थिति में तो बैठे हो लेकिन ये देह का जो गोला है ना वो ज्यों का त्यों तुम्हारे साथ, ये मिट्टी का डला तुम्हारे साथ लगा हुआ है। अंतःकरण शुद्धि को बहिरंग साधन बोला जाता है और श्रवण आदि को अंतरंग साधन बोला जाता है। इसमें धर्म उपासना और योग तो बहुत पीछे है ना छूट गए, लेकिन जब वही मनुष्य के जीवन में ठीक ठीक नहीं आते हैं तो बहिरंग साधन कहां से आवेंगे, और बहिरंग साधन नहीं आवेंगे तो अंतरंग साधन कैसे होगा। तो बहिरंग साधन क्या है कि एक तो मन की शांति, उसमें काम क्रोध आदि जो है वो उदय न हो, उचित होने पर भी उदय न हो। उचित होने पर माने अपनी पत्नी के प्रति भी काम वृत्ति का उदय न हो और अपने पुत्र के प्रति भी क्रोध वृत्ति का उदय न हो, क्योंकि पुत्र यदि कोई बुरा काम करे तो पिता को अधिकार है कि उसके ऊपर क्रोध करे, और विवाहित गृहस्थ है तो उसको अधिकार है कि अपनी पत्नी के प्रति वो काम व्यवहार करे, लेकिन उसका चित्त ऐसा हो जाए शांत दांत, ऐसा शांत दांत उसका चित्त हो जाए कि काम क्रोध आदि जो वृत्ति है वो उदय न हो, इसको सम बोलते हैं। अब जहां इंद्रियों की प्रवृत्ति बिल्कुल उचित है, जैसे बोलो संध्या वंदन की प्रवृत्ति उचित है, स्नान करना, हाथ में जल देना और उसको अपने ऊपर छिड़कना, आचमन करना, हमारे गुरु जी के पास तो हम गए तो उसी दिन उन्होंने कह दिया कि तुम मुक्त हो, अब मुक्ति में रुचि करके क्या करेंगे,
बोले कि भाई तुमको दुख होता है क्या? तो बोले कि महाराज मनुष्य का शरीर है तो इसमें दुख तो होता ही जाता रहता है। पाप वासना आती है कि नहीं? आती है महाराज। तो जब तक मन रहेगा तब तक तो वासना आवेगी आवेगी है। जब तक मन रहेगा तब तक बुराई होगी होगी। तब तक तुम मुक्त किससे हुए हो? बुराई से मुक्त हुए नहीं, दुख से मुक्त हुए नहीं, बंधन से मुक्त हुए नहीं। जिस कारण से तुम्हारा ये जन्म हुआ था वो कारण तो मिटा ही नहीं, तुम्हें को मुक्त जो माना वो किस विशेषता के कारण अपने को मुक्त माना? जिस कारण से तुम्हारा ये जन्म हुआ है वो कारण कहाँ मिटा? बोले कि महाराज ये तो माँ बाप से जन्म हुआ था और शरीर मर जाएगा जब मिट जाएगा। बोले ठीक है, इसी का नाम चार्वाक सिद्धांत है, इसका नाम वेदांत सिद्धांत नहीं है। मर जाने से ही हम मुक्त हो जाएंगे और जीवन में चाहे वासना बनी रहे, चाहे दुष्चरित्रता बनी रहे, चाहे दुख बना रहे, केवल मर जाने से ही हम मुक्त हो जाएंगे। यही बात तो चार्वाक ने सिखाई थी। तो तुमने अच्छा वेदांत का स्वाध्याय किया। कभी वेदांत के स्वाध्याय का अभिप्राय ये तो नहीं होता है कि मृत्यु से मुक्ति होती है, दुख से छूटे नहीं, पाप वासना से छूटे नहीं, अभिमान से छूटे नहीं, मान अपमान से छूटे नहीं, अज्ञान से छूटे नहीं। बोले ये सब तो जब तक जीवन रहेगा तब तक होता रहेगा और मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा चार्वाक सिद्धांत में प्रवेश हुआ कि वेदांत सिद्धांत में प्रवेश हुआ? अच्छा, अब इससे आगे तो मुमुक्षा जागृत होनी चाहिए कि हम दुख से छूटे हैं, हम वासना से छूटे हैं, हम दुष्कर्म से छूटे हैं, हम दुराभिमान से छूटे हैं, हम अज्ञान से छूटे हैं। इस प्रकार की जो जीवन में दुख है उनसे छूटने की तीव्र तीव्र इच्छा हो, मुमुक्षा आवे। अब अंतरंग साधन का वर्णन करते हैं। तो ये बहिरंग और अंतरंग में भेद क्या है? बहिरंग और अंतरंग में भेद ये है कि बहिरंग साधन जो होता है वो तो अंतःकरण को शुद्ध करता है। कि आपको लक्ष्य भेद करना है तो एक तो बंदूक की नली हुई उसमें गोली हुई और एक वृक्ष पर लक्ष्य हुआ, दीवार पर लक्ष्य हुआ। तो बंदूक की नली जैसे साफ की जाती है कि जब हम गोली मारें तो गोली इसमें अटकी हुई न रह जाए, है ना, गोली चलने में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए तो बंदूक की नली साफ की जाती है। लेकिन लक्ष्य भेद कैसे होता है कि जब गोली जा करके सीधे लक्ष्य पर दृष्टि होती है, लक्ष्य की पहचान, तो लक्ष्य की पहचान जो है वो तो अंतरंग साधन है, लक्ष्य की पहचान। और बंदूक की नली का जो शोधन है उसका नाम बहिरंग साधन है। तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये अंतःकरण रूप जो बंदूक की नली है उसका शोधन है। और श्रवण मनन निधि ध्यासन जो है ये तत् पदार्थ कैसा और त्वम पदार्थ कैसा, ये वेदांत के द्वारा श्रवण करना और उसका मनन करना और उसका निधिध्यासन करना, ये तीनों क्या है? कि ये तीनों अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन है माने लक्ष्य की पहचान कराने वाले हैं। बंदूक की नली को साफ कराने वाले साधन समदमादि हैं और लक्ष्य की पहचान कराने वाले साधन जो हैं वो श्रवण मनन आदि हैं। अब एक बार आपको फिर से लौट के सुनाते हैं। क्या एक बात ये ध्यान में रहनी चाहिए कि वस्तु जो होती है सिद्ध वस्तु वो प्रमाण से देखने में आती है। माने जैसे शब्द है कि नहीं ये श्रोत्र प्रमाण से ये बात मालूम पड़ेगी, यहां कोई आवाज हो रही है कि नहीं। बोले आवाज होती होगी तो कान को मालूम पड़ेगी, रूप होगा तो आंख से दिखेगा,
गंध होगी तो नासिका से मालूम पड़े, स्वाद हो गए तो जिह्वा से मालूम पड़े, स्पर्श हो गए तो त्वचा से मालूम पड़े। जो वस्तु मौजूद होती है वो प्रमाण से ज्ञात होती है। अब सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, जिसके बारे में आपने श्रवण किया है, वो किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूरा पूरा देखा नहीं जा सकता। एक ब्राह्मण आके आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप आंख से इतना ही देख सकते हैं कि ये मनुष्य है, ये ब्राह्मण है, ये तो नहीं देख सकते ना। तो ये विद्वान है, ये नहीं देख सकते। कहीं इसकी अंतःकरण में सद्भावना है, ये नहीं देख सकते। तो आंख तो केवल सकल सूरत को दिखाती है, सकल सूरत के भीतर जो सद्गुण है, जो सद्ज्ञान है, जो सद्भाव है, वो तो आप आंख से नहीं देख सकते। इसलिए ईश्वर भी यदि आपको केवल छू जाए, केवल आंख से दिख जाए या केवल नाक से सूंघा जाए, तो उसके भीतर का जो रहस्य है, उस रूप के भीतर का जो रहस्य है, उसको तो आप आंख से नहीं पहचान सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते, जीभ से नहीं चाट सकते, क्योंकि इन इंद्रियों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। ये संसार ही को पूरा नहीं दिखाते हैं। अच्छा, यहां जितने रूप हैं या रूपवान पदार्थ हैं, क्या हमारी आंख उनको देख रही है? अरे खुर्दबीन लगाने पर कुछ और ही नजारा दिखाई पड़ेगा। सर, दूर की वस्तु को क्या हमारी आंख देख पाती है कि नहीं देख पाती है? दूरबीन लगाने पर कुछ और ही नजारा दिखाई पड़ेगा। तो इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का असली प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और अनुमान के द्वारा भी ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। ये हमारे नैयायिकों ने बड़ा भारी जोर लगाया हुआ है, क्यों नहीं हो सकता अनुमान के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष? बोले, अनुमान तो यही देखी सुनी चखी इंद्रियों के आधार पर जो ज्ञान होता है उसी से अनुमान लगाया जाता है। घर में आग देखी हुई है तो जंगल में आग होने का अनुमान कर सकते हैं, और घर में देखी हुई नहीं है तो अनुमान नहीं हो सकता। तो अनुमान उपमान आदि जो प्रमाण है वो ईश्वर के बारे में कुछ बहुत मददगार नहीं है। और ईश्वर एक धातु है, ये बात भी आपके ध्यान में आनी चाहिए। एकदम अकाट्य प्रमाण है इसके संबंध में कि ईश्वर जो है, ईश्वर आत्मा चैतन्य एक धातु है। जैसे आपके शरीर में मिट्टी है, सबके शरीर में मिट्टी है, और मिट्टी नाम की एक धातु है। जैसे आपके शरीर में पानी है, दूसरों के शरीर में पानी है, सबके शरीर में पानी है, और पानी नाम का एक रसवत पदार्थ है। इसी प्रकार आपके शरीर में गर्मी है, सबके शरीर में गर्मी है, और एक उष्णता का आधारभूत तेजस तत्व है। इसी प्रकार एक प्राण नाम का पदार्थ है। इसी प्रकार एक आकाश नाम का पदार्थ है। और हमारे भी बुद्धि है, आपके भी बुद्धि है, सबके बुद्धि है। इसलिए बुद्धि तत्व नाम का, देखो, अहम नाम का एक अहंकार तत्व है, बुद्धि नाम का एक महत तत्व है। और सब लोग शयन दशा में जहां चले जाते हैं, वहां अज्ञान प्रकृति अथवा माया नाम का एक पदार्थ है, और उसका जो साक्षी है दृष्टा, वो चैतन्य नाम का एक पदार्थ है। तो जो अभी इतनी मैंने मेहनत करके इतने पदार्थों को क्यों बताया, इसलिए कि मैं भी हूं, आप भी हैं, सब हैं, और सुषुप्ति काल में भी जिस आत्मा के अस्तित्व का लोप नहीं हो सकता, वो आत्मा एक पदार्थ है, वो धर्म साध्य नहीं है। हाँ, वो स्वर्ग की तरह, धर्म से स्वर्ग की तरह पैदा नहीं होता, वो उपासना की तरह इष्ट देव के रूप में दर्शन नहीं देता, वो योगाभ्यास करने से जो अभान माने समाधि लगती है, वो समाधि उसका रूप नहीं है, वो समाधि का साक्षी है। तो
और सब पदार्थ देखो, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इनको हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं और इनके पांच पने का प्रत्यक्ष मन से होता है। ये पांच है ना, तो एक दूसरे को नहीं जान सकते। इन इनके पांच पने का मानस प्रत्यक्ष होता है और मन में कब विकार आया और कौन सा विकार उचित है, कौन सा अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, धर्माधर्मादि जो है ना, औचित्य अनौचित्य, वो संस्कार युक्त बुद्धि के द्वारा उनका प्रत्यक्ष होता है। होना और न होना, अभान दशा, ये आत्मा को ज्ञात होती है। तो अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा रूप धातु का साक्षात्कार करने के लिए हमारी भी सुषुप्ति में आत्मा है, तुम्हारी सुषुप्ति में भी आत्मा रहता है और सबकी सुषुप्ति में आत्मा रहता है, तो वो जो आत्मा नाम का चैतन्य धातु है उसका क्या स्वरूप है? सुषुप्ति काल में जब अभान हो जाता है तब प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार बिल्कुल नहीं रहता, न वहां घट रहता है और न तो घट को देखने वाली आंख रहती है और न तो ये घट हमारा प्यारा है ये कहने वाली मनोवृत्ति रहती है। तो मनोवृत्ति का भी लोप हो गया, आंख का भी लोप हो गया, घड़े का भी लोप हो गया, उस अभान दशा में भी, उस अभान दशा को देखने वाला जो आत्मा है चैतन्य धातु, उसका क्या स्वरूप है? बोले वो तो बिल्कुल अंतरदेश में रहता है। अरे भाई, बहिर्देश और अंतरदेश दोनों का तो अभान हो गया, वहां वो अंतरदेश में कैसे रहेगा? बोले वो कारण में रहता है, कार्य में नहीं। बोले अभान दशा में कार्य और कारण दोनों की अब प्रतीति हो गई है, तब वो कारण दशा में रहता है, ये बात कैसे कहते हैं? अरे भाई, वो सृष्टि शुरू होने से पहले था और बाद में रहेगा, ये बात नानक, काल का तो भान, अभान दशा में काल का भान तो होता ही नहीं है। तो नारायण, जब काल का भान, देश का भान और कार्य कारण रूप द्रव्य का भान, ये अभान दशा में नहीं रहता है और वहां अखंड आत्मा रहता है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आत्म धातु जो है नारायण है, देश से, काल से, वस्तु से परे तो है, परंतु इसका साक्षात्कार करने के लिए हम कौन सा उपाय आलंबन करें, किस उपाय से, किस युक्ति से, किस प्रमाण से हम इस आत्मा को जाने? बोले प्रमाणों की गति तो सुषुप्ति के बाद है ही नहीं, सुषुप्ति में ही नहीं है प्रमाणों की गति। तो प्रमेय का जो बीज है, खट पट मठ आदि का जो बीज है, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, और संपूर्ण प्रमाणों का जो बीज है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। इस सर्वज्ञ, आप देखना, इस सर्वेश्वर, इस सर्वज्ञ, मांडुक्य उपनिषद में सुषुप्ति कालीन जो आत्मा है उसको संपूर्ण प्रमाण और प्रमेय का बीज बताया है। संपूर्ण प्रमाण, आंख भी उसी में समा जाती है, कान भी उसी में समा जाता है, नाक और जीभ भी उसी में समा जाती है, मन और बुद्धि भी उसी में समा जाती है, तो सारे प्रमाण उसमें समा जाते हैं और सारे प्रमेय जो घटपट आदि पदार्थ हैं वो भी उसी में समा जाते हैं। तो सर्व की शक्ति और सुदर्व का ज्ञान दोनों को लेकर जब सुषुप्ति काल में आत्मदेव शांत होते हैं, तो वो जो आत्म धातु है वहां साक्षी के रूप में, सुषुप्ति किससे सिद्ध हुई? बोले आत्मा से सिद्ध हुई। स्वप्न किससे सिद्ध हुआ? सुषुप्ति से सिद्ध हुआ। और जागृत कहां से सिद्ध हुई? सुषुप्ति और स्वप्न से सिद्ध हुई। और ये प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार जागृत काल में यावत चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखने की चीज है नारायण, कि वो वस्तु जो है, जो चैतन्य धातु है, चैतन्य धातु, वो जीव रूप से कोई खंड है? कि वो पांच भौतिक विकार की ही एक कोई अवस्था है? चार बात कहते हैं
कि पांच भौतिक विकार की ही एक वो अवस्था है जो सुषुप्ति में रहकर सुषुप्ति की साक्षिणी है। जब पंच भौतिक शरीर पांच भौतिक शरीर जब मिट जाएगा तब वो आत्म चैतन्य भी मिट जाएगा। अब ये प्रश्न है कि ये जो आत्म धातु सबके शरीर में एक एक सरीखी है, ये देश काल वस्तु से खंडित है कि नहीं, या ये देश काल वस्तु का अभाव रूप है अथवा देश काल वस्तु का अधिष्ठान है। आप इसको खेल मेल की बात नहीं समझें, गंभीरता से इस पर विचार करें। ये जो हमको मालूम पड़ता है कि प्रेम कुटी छोटी सी जगह है और मेरिन ड्राइव बड़ी सी जगह है, ये जो छोटी जगह और बड़ी जगह ये दोनों मालूम पड़ती हैं, ये सुषुप्ति में न छोटी जगह मालूम पड़ती है न बड़ी जगह मालूम पड़ती है, इसलिए आत्मा न छोटा है न बड़ा है, क्योंकि छोटापना और बड़ापना ये तो देश की कल्पना से युक्त होता है और सुषुप्ति में देश की कल्पना नहीं रहती है, तो आत्मा छोटा होगा कि बड़ा होगा? अच्छा बोले भाई 500 बरस एक मकान रहता है और 100 बरस एक मकान रहता है, एक की उम्र बड़ी है और एक की उम्र छोटी है, एक की उम्र लंबी और एक की छोटी। बोले ये लंबी उम्र और छोटी उम्र ये दोनों काल में होती है और सुषुप्ति काल सुषुप्ति में काल का अभाव हो जाता है, तो आत्मा की उम्र लंबी की छोटी? बोले उसमें उम्र ही नहीं है, लंबी छोटी का सवाल क्या, उसमें तो उम्र ही नहीं है। और वो छोटा की बड़ा कब, वो न छोटा है न बड़ा है? अच्छा वो कार्य की कारण वो स्थूल की सूक्ष्म। बोले अभान दशा में न कार्य न कारण न स्थूल न सूक्ष्म, तब आत्मा के साथ इस वस्तु का संयोग कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में अब का अच्छा लो फिर आत्मा क्या है इस प्रमाण से बतावे तुमको। बोले हम चुटकुले कह के तुमको समझा देते हैं कि आत्मा कैसा से ले भी, तो अनुभव के आधार पर अनुभाव्य वस्तु के आधार पर चुटकुले बनते हैं। वेदांत का कहना है हेतु दृष्टांत वर्जिता, ये जो आत्म तत्व है इसमें कोई दृष्टांत नहीं लगता है, इसमें कोई हेतु नहीं लगता है। विज्ञान से सिद्ध जो पदार्थ है वो तो इंद्रियक पदार्थ है, ये जो आत्म वस्तु है आत्मा न छोटा है न बड़ा है, आत्मा न बाहर है न भीतर है, बाहर भीतर दोनों की कल्पना का अधिष्ठान है, छोटा बड़ा दोनों की कल्पना का अधिष्ठान है, उसमें छोटापन बड़ापन नहीं, बाहर और भीतर नहीं, उसमें नित्यता अनित्यता नहीं, उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं, नारायण फिर आत्मा ऐसा जो मालूम पड़ता। अनात्मा तो अनादि और नित्य है, अनंत है, ये कल्पना है कल्पना। बोले आत्मा तो सब जगह भरा हुआ है ना, ये आत्मा के बारे में तुम्हारे मन की एक कल्पना है कि आत्मा सब जगह भरा हुआ है, आत्मा तो सर्व है। भाई तुम्हारा मन सबको देखता है, इसकी कल्पना बैठी हुई है, इसके साथ तुमने बैठा दिया, एक कल्पना कर ली कि आत्मा सर्व है, न सर्व है न अल्प है, न नित्य है न अनित्य है, न अंतर है न बहिर है, न बड़ा है न छोटा है, न भान है न अभान है, क्योंकि अभान दशा अज्ञान की है और भान दशा वृत्ति की है, तब वो वृत्ति है न वृत्ति का बीज है। ऐसा जो अखंड आत्म तत्व है उसको हम जैसे पृथ्वी को हम पहचानते हैं इंद्रियों के द्वारा, जल को पहचानते हैं इंद्रियों के द्वारा, अग्नि को पहचानते हैं इंद्रियों के द्वारा, वैसे हम इस परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा कैसे पहचाने वाले हैं? किसी की इंद्रिय, किसी का मन, किसी की बुद्धि अद्वितीय वस्तु को कैसे पहचानेगी? तो इसी से शास्त्र में आप न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति, इसी से वेदांत कहता है बाबा वहां इन सबकी गति नहीं है।